नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया शहजादे, अगर आज तुम वक्त पर ना आ जाते तो हम तुम कभी ना मिल पाते। तुमने पुकारा और हम चले आए, चांद हथेली पर ले आए रे, गुले गुलजार चश्मे हमदम। ओ शहजादे, शैतान के उच्चा में उठ गया। राजू 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 राजू
संचालक जी। हाँ, मैं तुझे कई सालों समझा रहा हूँ कि राजा महाराजा बनने खार छोड़ दे। ये एक यतीम खाना है, कोई राजा महाराजों का महल नहीं, जो हर वक्त राजा महाराजा बनकर यह धुमाल करता रहता है। इस वक्त तो बकरे की मेमने की तरह आगे झपक झपक कर देख रहा है, और ये भी जानता है कि मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे नहीं माफ करने का। इसने मुझे मेरा गुलजार कहा था, और है ना पप्पी मैंने दिया। संचालक जी, ये मुझे शैतान कहता है। तुम चुप रहो, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन कल राजकुमारी के आने पर ख्वाब देखा अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करूंगा। क्या कहा संचालक जी, यहाँ कोई राजकुमारी आ रही है? हाँ, तुम ये टीमों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटने, लेकिन याद रखो, फिर कह देता हूँ, अगर तुमने उनके सामने कोई पागलपन किया तो हिंदुस्तान के सारे यतीमों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें खड़े के खड़े बाहर निकाल दूंगा। मैं भी हिंदुस्तान के सारे यतीम खानों की सौगंध खाकर कहता हूँ संचालक जी, कि राजकुमारी के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जी, कहीं तो उन्हें देखूंगा भी नहीं जी, सिर्फ चुपचाप बांसुरी बजाऊंगा और गाना गाऊंगा। नमस्कार राजकुमारी जी। आप हैं कुंवर साहब अब असपुर, क्योंकि बिल्कुल फुर्सत से थे इसलिए साथ ले आई। हमारे सरमाथे पर किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, जो दे दे सहारा वो सर ढूंढ ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते सदा हमने दी है, तुम्हारी गली में सदा हमने दी है, तुम्हें जिंदगी भर दुआ हमने दी है, असर ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं। नसीबों के गुलशन में खिलती है खुशियाँ, नसीबों के गुलशन में खिलती है खुशियाँ, कहीं ढूंढने से भी मिलती है खुशियाँ, मगर हम तो हैं बेखबर ढूंढते हैं, मगर हम तो ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, जो दे सहारा वो दर ढूंढते हैं, सहारा
राजू ये क्या हो गया है तुम्हें? राजकुमारी जी आप इसे माफ कर दीजिए। आप इन बदतमीज बच्चों के लिए चंदा मांगते हैं? ये पागल हो गया। पागल है तो पागलखाने भिजवाइए इसे। आप ही लोगों का सारा भगवान के लिए माफ कर दीजिए। ये यतीम बच्चों पर रहम कीजिए भगवान के लिए। चाय गरम गरम चाय पियो। ये ले पी ले। हमको नहीं चाहिए। क्यों? पैसा नहीं है। बस क्या एक लाफा मारेगा यार के साथ पैसे की बात करता है? आप मर गया क्या है? ये ले पी ले, ये ले पी ले। अरे सुन, तेरे माफिक आपन को भी तो नाथ आश्रम से हकाल दिया था। आपन भूखा मर गया था क्या? तेरी बात और थी मंदू। और तेरी बात? अरे समझता क्यों नहीं, तेरे मुंह पे भी तो दाढ़ी मूछ आ गई है। दाढ़ी मूछ आ गई तो इसमें मेरा क्या गलती है? अरे तेरा गलती ये है कि दाढ़ी मूछ के साथ साथ तुझे अकल भी आया। और ये तो अच्छा हुआ कि अनाथ आश्रम वालों ने तुझे भी हकाल दिया। अब तू अखा दिन राजा साहब बनने के ख्वाब तो नहीं देखेगा, कुछ काम तो करेगा। अरे अपने दो हाथों से कमाएगा तो? दो हाथ का कमाई से दो टाइम का रोटी ही मिलेगा और क्या। और तेरे को दिन में छह बार खाने को चाहिए क्या? नहीं, हमको राजा साहब बनने का। जानता है, जानता है, आप जानता है मेरे बाप, खुदा करे तू राजा साहब बने, पर जब तक नहीं बनता तब तक पेट भरने के लिए कुछ करेगा या नहीं? हमको कौन सा काम आता है, कौन काम देगा हमको? अरे इसका जिम्मेवारी आपन पे छोड़ो, हम तुमको फर्स्ट क्लास काम दिलाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। कितना लीटर का? बम्बई में इस तरह पानी भी नहीं बहाया जाता जिस तरह तुमने मेरा पेट्रोल बहा दिया है। उतारो वर्दी और जाओ यहाँ से। साहब जी आपके कुएं में तो बहुत पेट्रोल है, लेकिन अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। तुम जैसों को नौकरी मिली मिल जाइए। गेट आउट। साहब जी आई से गेट आउट। राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। राज है ना ताज है फिर भी मैं हूँ राजा साहब। राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। भरी कहानी
को इनसे प्यार है, ये है मेरी रानियां, अरे ये है मेरी रानियां, मेरा भी नहीं जवाब राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। सही अच्छा माना ठीक है मेरे दिल पे ना सही, अरे मेरे दिल पे ना सही, मेरे गम पे है शबाब राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। अफसाने हैं दर्द के, मजबूरी की मस्तियाँ पैमाने हैं दर्द के, अरे पैमाने हैं दर्द के, आंसुओं की है शराब राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। राज है ना ताज है फिर भी मैं हूँ राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। बाप रे तुझे कितनी बार समझाया लेकिन तेरे भेजा में आता ही नहीं। राजू तू राजू पैदा हुआ था और राजू ही रहेगा, चाहे तू राजा बनने के ख्वाब देख या राजा सा। देख अब आपन तुझको ये आखिरी चांस और दिलाता है। हाँ हाँ सच, चल मेरे साथ। और अब की बार तूने काम का टाइम में ख्वाब देखा तो तू जाने और तेरा तकदीर, आपन बस हो गया। चल बैठ 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 साहब, भेजा फ्राई करो। साहब ये अपना राजू, आपन उसने एक छोकरा के बारे में बात किया था ना। हाँ राजू, तुमको मसाज करना आता? मसाज मालिश मालिश जिसम का मालिश। जिधर डेमेलो साहब काम करता है ना उधर कुछ छोकरा छोकरी लोग को मालिश का ट्रेनिंग के वास्ते मांगता है। लेकिन मुझे तो 150 रुपया पगार है। क्यों? और ऊपर से टिप्स 5-10 रुपया से कमती कोई नहीं देता। सेठ लोग, मिल मालिक, ब्रिटिश साहब, राजा महाराजा। हाँ राजा महाराजा वो हमको अपने घर बुलाता, हमसे मसाज कराता और ऊपर से बड़ा बड़ा टिप्स देता। ये बात है तो हम भी मालिश वाला बनेगा, जरूर बनेगा। तुम भी पियो जी। यस
प्रणाम राजा साहब जी। नए आए हो जी? डिमेलो ने मुझे भेजा है जी। डिमेलो? ओ, राजा साहब ऊपर है, ऊपर वाले कमरे में है। ओ, और सुनो, राजा साहब को सोते में मालिश करवाने की आदत है, तेल लाए हो जी? जी। वो सीढ़ी देखते हो जी? चढ़ जाओ ऊपर जी। जाओ जी। राजू साहब, राजा साहब जी, तुम? जी मैं राजू, मालिश वाला। मालिश वाला या पालिश वाला? जी जी। मालिश करते वक्त उंगलियां ऐसे चलने चाहिए जैसे पियानो बज रहा हो। चलो बजाओ। जी मुझे पियानो बजाना नहीं आता। नहीं आता? कोई बात नहीं, तुम्हारा पियानो हम बजाएंगे। आप बजाएंगे? और नहीं तो क्या, हमारे स्वर्गीय पिताजी बजाएंगे। चलो लेटो जी। लेटो। उतारो जी। जी कपड़े उतारो। सारे गा मा मुझे गुदगुदी हो रही है जी। मगर मेरा पियानो और मत बजाइए राजा साहब जी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज से तुम्हारा काम तो यहीं पे है जी। हाँ, आज हम जिंदगी में पहली बार हंसे हैं। हम तुमसे बहुत खुश हैं और इसके बदले हम तुम्हारी हर खुशी पूरी करने को तैयार हैं। आप मेरी खुशी पूरी करेंगे राजा साहब जी? क्यों नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मांगो मांगो मांगो। मुझे अपनी तरह राजा बना दीजिए जी। राजा बनना चाहते हो? बना देंगे, बना देंगे। क्या कहा, तुम राजा बनना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है? राजा बनाए नहीं जाते, वो तो पैदा होते हैं। तो फिर मुझे भी पैदा कर दीजिए ना जी। What? आपने मेरी खुशी पूछी थी कि मैंने बता दी, लेकिन तुम क्या समझते हो राजे महाराजे खुश होते हैं?
कभी नहीं। हमें ही देख लो, हमारे पास ये महल, दौलत, नौकर चाकर, कारें, सब कुछ है, लेकिन लेकिन जी आपके लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं, क्योंकि आपके पास ये सब है। लेकिन यस इश्यूज में राजा साहब, राठौड़गढ़ से दाऊ जी का ट्रंक हॉल। क्या फरमाते हैं? उनकी पोती राजकुमारी पूनम ने जो आपसे बदसलूकी की थी उसकी माफी मांगना चाहते हैं। माफ कर दिया जाए? श्योर। एक्सक्यूज मी, वो माफी आपसे मांगना चाहते हैं। शुड आई गिव द लाइन? श्योर। ओके। हे कम नो हेलो तुम जाओ। श्योर। जय देवा दाऊ जी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जय देवा बेटे, हमें मालूम हुआ कि तुम टोक्यो से आ गए हो, और पूनम ने यह भी बताया कि टोक्यो से स्विट्जरलैंड तुमने उसे खत लिखा था। और जवाब है जो खत उसने मुझे लिखा, अगर आपको लिखती तो आप मारे शर्म के डूब मरते। हम जानते हैं बेटा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से आज तक मिले भी तो नहीं। और नहीं हम उसे मिलना चाहते हैं। हमें उसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। बेटे प्रताप, हम नहीं चाहते कि बुजुर्गों के किए हुए फैसले को तुम बच्चे आपस की नोकझोंक में भूल जाओ। अब वो मौका आ गया है कि हम तुम दोनों की शादी कर दें। लेकिन मैं सुनो, पूनम अब सियानी हो गई है और कुंवर साहब ऑफ अर्जपुर ने भी वही अर्जी भेजी होगी। दाऊ जी उसे फौरन मंजूर कर लीजिए, उस बदतमीज लड़के के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। प्रताप सिंह, हम चाहते हैं पूनम और तुम एक बार एक दूसरे से मिल लो, कुछ दिन साथ रहोगे तो एक दूसरे को समझ जाओगे, तो शायद आपस की नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन दाऊ जी मैं, यह हमारा हुक्म है, पहली तारीख की शाम को तुम ओबेरॉय पैलेस श्रीनगर में पहुंच जाओ, पूनम तुम्हें वहीं मिलेगी। जय देवा। देखा तुमने, राजे महाराजों को शादियां भी हुक्म के मुताबिक करनी पड़ती है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उस बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेंगे। सुनो, तुम राजा बनना चाहते हो ना? है जी। तो हम तुम्हें राजा बनाएंगे। बनाएंगे जी? जरूर, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और राजा साहब प्रताप सिंह ऑफ चंदीनगर बनाकर कश्मीर ले जाएंगे। सच कहते हैं जी? हाँ, और वहां तुम्हारी मुलाकात राजकुमारी पूनम से कराएंगे। कराएंगे जी? हाँ, और फिर जानते हो तुम क्या करोगे? हाँ जी, मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करूंगा और मिलने का धन्यवाद बोलूंगा जी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, बल्कि तुम उसकी वैसे ही बेइज्जती करोगे जैसे उसने खत में हमारी की थी। लेकिन राजा साहब जी, मैं गरीब अनाथ एक राजकुमारी जी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ जी? तुम उस वक्त गरीब अनाथ नहीं बल्कि राजा साहब होगे। तुम्हारी जेबें नोटों से भरी होंगी, तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े होंगे, शानदार गाड़ी होगी और हीरो कट बाल। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।